हेलो फिजियो डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट बायोलॉजी हेल्थ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके प्रीवियस 10 ईयर्स का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, ओके नीट के। ऑप्सिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए म्यूटिक डिवीजन, बी माइटोटिक डिवीजन, सी पार्थेनोजेनेसिस, डी पार्थेनोकॉर्पी। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू ए ऑप्सेट, बी बल्बिल्स, सी रनर्स, डी राइजोम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए बी सी डी में देखिए, ए इसमें दिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक तरफ एग्जाम्पल दिया है राइजोम बनाना, बी में बाइनरी फिजन सरगासम, सी में कोनिडिया पेनिसिलियम, डी में ऑफसेट वाटर हाइसिंथ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यही रॉन्गली मैच्ड है, नॉट करेक्टली, बाइनरी फिजन सरगासम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ए ओनियन बल्ब, ये तो सही है। बी जिंजर सकर, नो। सी क्लेमेडोमोनस कोनिडिया, नो। डी यीस्ट जूस पोर, नो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर ए रूट बर्ड्स, बी फ्लावर बर्ड्स, सी सूट बर्ड्स, डी एक्सिलरी बर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एक्सिलरी बर्ड। वाट इज़ कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। ए बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स, बी बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेजेस, सी बोथ अकर राउंड द ईयर, डी बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। ए पेनिसिलियम कोनिडिया, सही है। बी वाटर हाइसिंथ रनर, ये भी सही है। सी नहीं, वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट होता है ये, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप इन टू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज ए ऑटोगैमी, बी पार्थेनोकार्पी, सी सिनगैमी, डी पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ए बैम्बू स्पेसिस, बी जैक फ्रूट, सी पपाया, डी मैंगो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बैम्बू स्पेसिस एक ही बार फ्लावर देता है अपने लाइफ में। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ए स्पोरुलेशन, बी बर्डिंग, सी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, डी एपोमिक्सिस। तो इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए एनाइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर, हाँ ये तो सही है। ऑप्शन बी इन ओमाइसिट्स फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, हाँ ये गलत है, ये उल्टा लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। मोनोसियस प्लांट ऑफ कारासोस अकरेंस ऑफ ए स्टेमन एंड कार्पेल ऑफ सेम प्लांट, बी अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम ऑन द सेम प्लांट, सी अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, डी एंथ्रीडियो फोर एंड आर्चिगोनियो फोर ऑन द सेम प्लांट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देखिए अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। मियोसिस टेक्स प्लेस इन ए कोनिडिया, बी गेम्यूल, सी मेगास्पोर, डी मियोसाइट्स। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मियोसाइट्स, मियोसिस मियोसाइट सेल्स में देखने मिलता है। सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन ए फंजाई, बी मोसेस, सी एल्गी, डी फर्न्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एल्गी में देखने मिलता है सिनगैमी, ओके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।